हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मंत्रा रिफंड इनिशिएट बट नॉट रिसीव्ड। अगर आपको मंत्रा की तरफ से आपका जो रिफंड है इनिशिएट हो चुका है, लेकिन आपको अभी तक आपका जो रिफंड है आपको रिसीव नहीं हुआ है आपके बैंक अकाउंट में, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड आपका जो रिफंड है आप यहाँ पर कैसे ले सकते हैं, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के जीमेल में आना है। जीमेल में आने के बाद आपको यहाँ पे कंपोज पर क्लिक कर देना है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल करना है। तो ईमेल करने से पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट लिखना होगा डियर सर एंड मैडम। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है नेम। तो जो भी आपका नेम रहेगा, नाम रहेगा, आपको यहाँ पर अपना एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद लिखना है मोबाइल नंबर। तो जो आपका करंट मोबाइल नंबर रहेगा या आपके महिंद्रा ऐप में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, आपको यहाँ पर अपना लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्पेस दे के नीचे लिखना है आपको यहाँ पर ऑर्डर आईडी। तो जो भी आपकी ऑर्डर आईडी रहेगी आपको यहाँ पर अपनी ऑर्डर आईडी लिख लेना है। ऑर्डर आईडी लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लिखना है जिससे जो आपका रिफंड है आपको यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट में क्या लिखेंगे, तो जो मैं रिक्वेस्ट लिखूँगा एज इट इज़ सेम आपको वही रिक्वेस्ट लिखना है, तो जिससे आपका जो रिफंड है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट में क्या लिखना है, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट में लिखना है मंत्रा रिफंड इनिशिएट, मंत्रा रिफंड इनिशिएट बट रिफंड मनी नॉट रिसीव्ड इन माय बैंक अकाउंट, बट रिफंड मनी नॉट रिसीव्ड इन माय अकाउंट एज इट इज़। आपको सेम यही रिक्वेस्ट लिखना है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी रिक्वेस्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको है ध्यान रखना है कि आपके रिक्वेस्ट में आपके यहाँ पर ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्लीज़ चेक योर एंड, प्लीज़ चेक योर एंड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड रिफंड माई मनी इन माई अकाउंट, एंड रिफंड माई मनी इन माई अकाउंट। फिर आपको लिखना है एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट लिख के हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स लिखने के बाद आपका यहाँ पर जो ईमेल है रेडी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार कंफर्मेशन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट अपना नेम चेक कर लेना है, सेकंड आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, एंड थर्ड आपकी यहाँ पर ऑर्डर आईडी। आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अपनी ऑर्डर आईडी प्रॉपर लिखना है, क्योंकि आपकी जो ऑर्डर आईडी है वहाँ पर चेक करी जाती है। अगर आपकी ऑर्डर आईडी में ज़रा सी मिस्टेक होगी तो आपकी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सारी चीज़ें कन्फर्म करने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट में लिखना है रिफंड नॉट रिसीव्ड रिक्वेस्ट, रिफंड नॉट रिसीव्ड रिक्वेस्ट। ये सब्जेक्ट में लिखने के बाद आपको ऊपर टू साइड शो हो रहा होगा। तो टू साइड क्या करना है, टू साइड आपको आपके मंत्रा की कस्टमर केयर की ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है, जो आपको मंत्रा की वेबसाइट या उनके ऐप में आपको मिल जाएगी। तो ईमेल कस्टमर आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपको मंत्रा की तरफ से मेल आएगा कि जो आपका रिफंड इनिशिएट, आपका जो मनी था आपको रिफंड नहीं हुआ था, तो आपको यहाँ पर आपका जो रिफंड है आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो गाइज, आप देखोगे कि आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड आपका जो रिफंड है आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।